सेफ़्टी एंड हेल्थ मूवमेंट ये हमारा टॉपिक डिस्कस हम कर रहे थे और इस टॉपिक के अंदर हमने ये देखना है कि इस वक्त ऑर्गनाइजेशन के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हो चुकी हैं इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंप्रूवमेंट हो चुकी है उसको प्रोडिक्ट किया डायटोर ने डायक्टोर ने बेसिकली स्टडी की और कुछ ऑब्जेक्टिव इंटीग्रेट किए और पहला ऑब्जेक्टिव उसका ये था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई इशू पैदा हो जाए तो सबसे पहले एम्प्लॉय को एजुकेट करें तमाम इंप्लाई के अंदर कोलेक्टिव विजडम रहे हैं उस टॉपिक के रिलेटेड अगर उस टॉपिक के रिलेटेड इम्प्लॉइज़ के अंदर नॉलेज भी विजडम डिवेल्प नहीं करेंगे तो तमाम इम्प्लॉयज़ को उसका आइडिया नहीं होगा कि उस चीज़ को कैसे मैंटेन करना है कैसे मैनेज करना है सेकेंड ऑब्जेक्टिव में उसने यह कहा कि आप उस तो चीज़ को एवेलुएट भी करें कि जो आपने इम्प्लॉ को एजुकेट किया क्या उसकी जो परफॉर्मेंस थी उससे एक्चुअल इम्प्लॉई की परफॉर्मेंस मैच भी कर रही है कि नहीं कर रही अवेलुएशन है क्या एवेलुएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक्चुअल और एक्सपेक्टेड को कंपेयर करते हैं एक बच्चे की एक्सपेक्टेशन है कि ही विल गेट एटी फाइव मार्क्स एक्चुअल ही गाट सिक्सटी मार्क्स देर इज अ गैप बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड दिस प्रोसेस इज नोन एज एवेल्युए प्रोसेस ऑर्गेनाइजेश के अंदर हेल्थ और सेफ्टी के एवेलुएशन के प्रोसेस होने चाहिए जिसको मैंटेन किया जाए और मैनेज किया जाए अगर आप इसको एवेलुएट नहीं कर रहे तो आपको कैसे मालूम होगा कि जो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स हैं हेल्थ के वो एम्प्लाई मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि आर्गनाइजेशन के अंदर हेल्थ और सेफ्टी की डेटा बनाई जाए तमाम इंप्लाई के जो इशूज़ हैं हेल्थ और सेफ्टी के मतलब उनको मैंटेन किया जाए और लास्ट पॉइंट इसके रेलिवेंट ये है कि इम्प्लाईज़ के अंदर आर्गनाइजेशन के अंदर प्रायरिटी बेसिस के ऊपर एम्प्लॉज़ की हेल्थ और सेफ्टी को सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस दी जाए आलदू एम्प्लॉई के पर्सनिटी के इशूज़ हैं प्रमोशन के इशूज़ हैं सैलरी के इशूज़ हैं जॉब सेफ्टी के इशूज़ हैं जॉब सिक्योरिटी के इशूज़ हैं रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हैं ट्रेनिंग के बेनिफिट्स हैं लेकिन इन सब इशूज में सबसे इम्पोर्टेंट इम्प्लॉय की हेल्थ और सेफ्टी है उसने इस अपने ऑब्जेक्टिव में कहा स्कॉलर ने कि एम्प्लॉय की हेल्थ और सेफ्टी को प्रायोरिटी बेस पर रखा जाए इंटीग्रेटेड अप्रोच टू सेफ्टी एंड हेल्थ क्या है मैंने प्रीवियस टॉपिक्स में डी स्टूडेंट्स आपको बताया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन जिसने नाइनटीन सेवनटीन में सेवनटी में काम किया उन्होंने री इनफोर्स किया किस चीज को द इंटीग्रेटेड अप्रोच बाय रिक्वायरिंग कंपनीज टू हैव प्लान फॉर डूइंग एट लीस्ट द फॉलोइंग कि कंपनीज को ये काम करने चाहिए पहला क्या है जी प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर इंजर्ड और वर्कर अगर कोई इंप्लाय मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग दिस प्रैक्टिस कि एम्प्लाई को हायर करने से पहले उस एम्प्लॉ की मेडिकल चेकअप करवाया जाता है वेदर ही इज़ अ मेल और फीमेल उनका मेडिकल चेकअप इसलिए करवाया जाता है कि उसको चेक किया जा सके वेदर फिजिकल ही इज़ अ फ़िट और अनफिट अगर ड्यूरिंग जॉब उसकी कोई इंजरी हो जाती है या वो इल हो जाता है बीमार हो जाता है फिर प्रायोरिटी बेसिस पे उसके हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए ये पहला इसका इंटीग्रेटेड अप्रोच का ऑब्जेक्टिव है सेकंड ऑब्जेक्टिव बेटा ये है कि इम्प्लाई का रेगुलर एग्जामिनिंग होना चाहिए रेगुलर एग्जामिंग और थर्ड पॉइंट एंड हैविंग अ क्वालिफाइड फर्स्ट एड पर्सन अवेलेबल डर ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनका मैदली मकसद ये है कि बाकायदगी से एम्प्लाई का चेकअप हो अगर वो किसी किस्म की डिजीज में पाया जाता है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो ताकि वो उससे क्योर हो सके और थर्ड ऑब्जेक्टिव जो लास्ट इसका पॉइंट था वो ये था कि जो इंप्लाईज़ हैं उनको 24 घंटे अगर कोई जॉब वहाँ कर रहे हैं डेफिनेटली एट 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 आवर्स की वहाँ पे उनकी ड्यूरेशन के तीन वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के उनकी बाई पार्ट्स जॉब्स होंगी या ड्यूटी आवर्स होंगे लेकिन वहाँ पे वो लोग ऐसे होने चाहिए जो कि 24 फोर आवर वहाँ पर फर्स्ट एड की फैसिलिटी प्रोवाइड करें अगर ऑर्गेनाइजेशन की वर्क सेटिंग के अंदर कोई इशू पैदा हो जाता है तो वहाँ पर जो आपके मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो फर्स्ट एड बॉक्स के साथ इंप्लाई को प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करें हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से अब यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट स्टडी है उसके बाद इस बंदे ने की हिमिल्टन ने और हार्डिज ने ये हेल्थ एंड सेफ्टी स्टाफ के हवाले से थी इन आ मॉडर्न इंडस्ट्रियल कंपनीज इंक्लूड द फॉलोइंग पोजीशंस इंडस्ट्रियल हाइजीन केमिस्ट रेडिएशन कंट्रोल स्पेशलिस्ट और इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियर और मैनेजर इन लोगों ने प्रपोज किया कि वहाँ पे ये तीन लोग होने चाहिए इंडस्ट्रियल हाइजीन केमिस्ट होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में रेडिएशन कंट्रोल स्पेशलिस्ट होने चाहिए जिनका काम ही रेडिएशन को कंट्रोल करना है और तीसरा इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियर होने चाहिए या मैनेजर होने चाहिए जो कि एम्प्लॉ की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंशोर करें ये बेसिकली जो स्टडीज़ की गई हैं हेमल्टन और हार्डिज की तरफ से इनको बेस बना के आर्गनाइजेशन के अंदर सेफ्टी और लॉ की लेजिस्लेशन की गई थी ये भाई पिक्टोरियल इफेक्ट है डी स्टूडेंट्स इसमें हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल की बात की है न्यू मटीरियल न्यू प्रोसेस और न्यू प्रॉब्लम्स इसकी राइट right साइड पे अगर आप गौर से देखें तो लिखा हुआ है कि जॉब ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोफेशन मोर कम्पलेक्स दैन इट वॉज एवर बिफोर द मटीरियल आउट ऑफ विच प्रोडक्ट्स मेड बिकम इंक्रीजिंग कम्प्लेक्स एंड एग्जॉटिक अब इसमें अगर देखा जाए जो स्लाइड्स मैंने आपसे शेयर की है तो उस स्लाइड्स में मटीरियल मेटेलिक मेटेलिक और नॉन मेटेलिक वो दांतें जो कि ऑर्गनइजेशन में फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं और कुछ फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होती कभी कभी यूज़ होती हैं उनकी वर्किंग के मुतक बयान किया गया है उन दोनों के प्रोसेस डिफरेंट हैं दोनों को जब कंज्यूम किया जाएगा किसी किस्म के मेल्टिंग पॉइंट के अंदर तो वहाँ पर उनके लिए जो प्रिवेंटिव मेकानिज़म है एम्प्लॉइज़ के अंदर वो डिफरेंट होगा अब यहाँ पे अगर इसको देखा जाए कि स्लाइड्स के हवाले से कंप्यूटर्स लेजर इंडस्ट्रीज रिबोट्स ये वो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो आर्गनइजेशन में यूज़ किए जा रहे हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजिकली एडवांस होती हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं होती जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होती हैं वहाँ पर ये एक्टिविटीज़ अक्सर होती हैं और इन एक्टिविटीज़ के हवाले से वहाँ पर न्यू चैलेंजेस न्यू सेफ्टी एंड हेल्थ एंडेशनल हमें रिक्वायर्ड होते हैं और वो जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इन तमाम चीज़ों को अफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं अब यहाँ पे ये देखना बहुत लाजम है कि इट इज़ इन एविटेबल रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज अटेंशन गिवन टू सेफ्टी एंड हेल्थ इज मोर लार्ज कंपनीज आर एम्प्लॉइंग सेफ्टी एंड हेल्थ मोर स्मॉल कंपनीज आर असाइनिंग दिज ड्यूटीज टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज इस स्लाइड्स में ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है इसमें ये बयान किया गया है जो मेजर आर्गनाइजेशन हैं लार्ज ऑर्गनाइजेशन हैं जिनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 100, 200, 500 से ज़्यादा हैं वहाँ पे फुल फ्लैज डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स का प्राइमरली काम ही ये है कि इम्प्लॉज़ की हेल्थ सेफ्टी को इंश्योर किया जाए और जिन आर्गनाइजेशनस के अंदर एम्प्लॉइज़ की हेल्थ और सेफ्टी को इंश्योर नहीं किया जाता जो कि स्मॉल आर्गेनाइजेशन हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ फ़ाइव हैं टेन हैं वहाँ पर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉज़ से ये काम लिया जाता है इस तरह आप ऑर्गनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं कि वहाँ पर फुल फ्लैज डिपार्टमेंट इस्टेबलिश करके अगर फुल फ्लैज डिपार्टमेंट इस्टेबलिश नहीं करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल और स्ट्रॉन्गली जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर उसका हिस्सा नहीं होगी